हे एवरीवन, मैं हूं धनराज। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। गाइस, मैं आपके लिए एक डाउट सॉल्विंग वीडियो लेकर आया हूं। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था और वो परेशान थे कि सर, क्या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए SIS कंपलसरी है या नहीं है, हमें करना है या नहीं करना है। इसमें वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे। तो गाइस, मैं ये वीडियो लाया हूँ। सिरोंज महाविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने इसके बारे में आपके डाउट क्लियर किए हैं, जो आपको बताएंगे किन को करवाना है और किन को नहीं करवाना है। तो गाइस, हम ये वीडियो विस्तार से देखेंगे। इससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से संबंधित और MP की सभी यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, वो मैं अपने प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले अपलोड करता हूं, ताकि जो बच्चे BCom, BBA, BCA, PG, UG में स्टडी कर रहे हैं, उनको नोटिफिकेशन मिल सके और वो परेशान ना हो। तो चलिए देखते हैं वीडियो। नमस्कार, मैं डॉक्टर लालचंद राजपूत, प्रभारी प्राचार्य, शासकीय लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय सिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। अभी हम विद्यार्थियों को ये बताना चाहते हैं कि बहुत से विद्यार्थियों के मोबाइल पर विश्वविद्यालय से मैसेज गया हुआ है उनको SIS मॉड्यूल में पंजीयन कराने के लिए। इसमें बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के हैं या PG सेकंड सेमेस्टर के हैं, वो काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। उनको फ़ोन भी आते हैं और पूछते भी हैं कि क्या उनको भी SIS मॉड्यूल में पंजीयन कराना है। तो मैं यह स्पष्ट कर दूं कि अभी मात्र जो स्टूडेंट्स UG थर्ड ईयर में हैं या PG सेमेस्टर फोर में हैं, सिर्फ उन्हीं को SIS मॉड्यूल में जाकर के अपना पंजीयन कराना है। फर्स्ट ईयर वाले बच्चे, सेकेंड ईयर वाले बच्चे और PG सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, वो बिल्कुल कतई परेशान ना हो। बच्चे आते हैं, कहते हैं हमारे पास मैसेज आया हुआ है। तो दरअसल ये मैसेज विश्वविद्यालय ने नहीं भेजा है, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है। मैसेज जो विश्वविद्यालय ने भेजा है वो सिर्फ स्नातक स्तर के जो फाइनल के छात्र हैं, BA, BSc, BCom, जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और जो PG में फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनको ही भेजा गया है। इसलिए SIS मॉड्यूल में मात्र थर्ड ईयर के बच्चे और PG फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों को ही SIS मॉड्यूल में जा करके अपना पंजीयन कराना है। शेष किसी बच्चों को ना महाविद्यालय जाना है, ना महाविद्यालय पूछने के लिए जाना है और ना किसी भी MP ऑनलाइन के पास जाना है। हो सकता है किसी MP ऑनलाइन के पास आपका मैसेज जाए, किसी अन्य माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप से जाए। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं या PG सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, तो आपको अभी कुछ भी नहीं कराना है। जैसे ही आपके लिए कुछ दिशा निर्देश आएंगे तो आपको बताए जाएंगे। और एक और बता दें, ये जो प्रक्रिया चल रही है, ये मध्य प्रदेश में पहली बार विद्यार्थी अपने घर में बैठा रहेगा, परीक्षा उसको घर में बैठ के देनी है, सब पुस्तक प्रणाली से देनी है, सारे पेपर्स उसके एक साथ भेज दिए जाएंगे और उसको एक समय सीमा निर्धारित कर दी जाएगी कि इस समय सीमा में उसको अपने घर बैठ करके A4 पेपर साइज में या रजिस्टर के पेपर में उसको प्रश्न पत्र हल करना है। वो हल करके सारे प्रश्न पत्र को एक लिफाफे में बंद करके संग्रहण केंद्र पर जाना है। संग्रहण केंद्र आपको बता दिए जाएंगे कि कौन कौन से संग्रहण केंद्र हैं। इसमें हमारा कॉलेज तो रहेगा ही, और भी संग्रहण केंद्र बनाए जा रहे हैं। तो जो नज़दीकी संग्रहण केंद्र बने आपके पास, तो वहाँ जा कर के आप लोग अपना पूरा परीक्षा की जो आपने दी हुई है उत्तर पुस्तिकाएँ एक लिफाफे में बंद करके जमा कर देंगे। वहाँ से विश्वविद्यालय के द्वारा जो अपनी व्यवस्था है, वहाँ से इकट्ठे करके विश्वविद्यालय पहुँच जाएंगे। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि लिफाफे के ऊपर जो जानकारी है सही सही भरें, उसमें आपको प्रवेश पत्र भी रखना है।
ध्यान दीजिएगा, उस लिफाफे में आपको प्रवेशपत्र भी रखना है, जो आपको एडमिट कार्ड मिला होगा उसको जरूर रखिएगा, ठीक। और अगर कोई जानकारी हो तो हम आपको समय समय बताते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।